नमस्कार, मैं हूं अमित सूर्यवंशी। इस वक्त हाजिर हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देखिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज पर। हजरतगंज हाई सिक्योरिटी जोन की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद लखनऊ महोदय द्वारा आज दिनांक 8/9/2018 को हजरतगंज कोतवाली से 15 दोपहिया वाहन व एक चारपहिया वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दोपहिया वाहन पूर्व से ही हाई सिक्योरिटी जोन में 3 शिफ्ट में चल रही ड्यूटी में शामिल होकर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएंगे और पुलिस बल की गतिशीलता को बढ़ाएगी। साथ ही वातानुकूलित चारपहिया वाहन डॉग स्क्वाड को प्रदान किया गया ताकि घटना होने पर डॉग स्क्वाड को एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर जगह जगह चेकिंग कराई जा सके, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा। उपरोक्त प्रदान की गई मोटरसाइकिल मोबाइल यदि कहीं पर आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है तो उक्त मोटरसाइकिल मोबाइल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की जाएगी। उक्त मोबाइलों का पर्यवेक्षण श्रीमान पुलिस अधीक्षक पूर्वी लखनऊ महोदय द्वारा किया जाएगा, जो कंट्रोल रूम से संवाद करेंगे। साथ ही इन मोटरसाइकिल मोबाइल के पास एक एक पिस्टल भी उपलब्ध रहेगी, जिनकी पिस्टल ट्रेनिंग ATS के माध्यम से कराई जाएगी और इसके अलावा इन मोटरसाइकिल मोबाइलों के पास वायरलेस सेट भी उपलब्ध रहेगा ताकि इनका मूवमेंट तत्काल हो सके। स्क्वाड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके जगह जगह हम लोग चेकिंग करवा सकते हैं, तो इससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरे एरिया में आएगा। ये जो हमारी मोटरसाइकिल मोबाइल्स हैं, ये समय पड़ने पर हॉट चेस भी कर सकती हैं। कहीं पर कोई घटना हो रही है तो इनको हॉट चेस के लिए भी ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशन जो प्रहार चलता है उसमें भी जो हॉट चेस होती है उससे भी इसको इंटीग्रेट करेंगे कि अचानक कहीं कोई घटना होती है तो ये डेडिकेटेड मोबाइल जो हमारी 2 शिफ्ट में काम करेंगे, 3 शिफ्ट में काम करेंगे, ये तत्काल वहाँ पर पहुँच जाएंगे। 15 मोटरसाइकिलें कहीं पर किसी को घेराबंदी करनी है या पीछा करना है या कहीं पर कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है लॉ एंड ऑर्डर की या कोई सूचना ऐसी प्राप्त होती है कि तत्काल फोर्स को वहाँ पहुँचना है, संकरी गलियाँ भी हो सकती हैं किसी क्षेत्र में या कहीं पर, तो ये मोटरसाइकिल मोबाइल्स उसमें हमारी मदद करेंगे। SP ईस्ट जो हैं इनका ओवरऑल सुपरविजन करेंगे और कंट्रोल रूम के माध्यम से ये लोग संवाद में रहेंगे। इनके पास एक एक पिस्टल रहेगी, ATS के माध्यम से इनकी पिस्टल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और इसके अलावा वायरलेस सेट वगैरह इनके पास रहेंगे ताकि जो मूवमेंट है वो बहुत जल्दी हो सके। इसी तरह खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।